मैं यही कहूंगा कि गैस लाइट कर रहे हैं विकलांगजनों को, ये क्या तरीका हुआ? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप अगर कोई माफी मांगते हैं तो ये क्या आप एक इंस्टाग्राम के स्टोरी में लिख देंगे कि अगर किसी को मेरे इससे बुरा लगा तो मैं सबके लिए सबको सॉरी कहता हूं? सेक्शन 92 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत, जिसमें कि विकलांग जन को अगर कोई इंसल्ट करे इन पब्लिक व्यू, या उनको ह्यूमिलेट करे या हार्म करे, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उस आधार पे जब मैंने इंस्टाग्राम पे हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रायना और क्या नाम है हरकीर्त सिंह मान या ऐसे जो और एक क्रिकेटर हैं, उनका जब वीडियो देखा, जब वो विकलांग जन की तरह एक मौकरी करके उनका प्रिटेंड करके वो वीडियो डाला उन्होंने, एक बहुत ही प्रचलित अभी जो वायरल गाना हो रखा है उसके ऊपर, मुझे मानना मेरा मानना है कि ये एक इंसल्ट है भारत के कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा विकलांग जनों के लिए। और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में विकलांग लोग पूरे दुनिया में भारत में ही रहते हैं, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के मतलब हरभजन सिंह की बात कर रहा हूं, खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जहां कि उनको पार्लियामेंट में विकलांग जनों के हित में, उनके अधिकार में के लिए, उनके जो भी रोजमर्रा जिंदगी में जो भी तकलीफ है उसके बारे में उनकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, वो किस तरह के वीडियो बना रहे हैं? इस वीडियो को एक 1.5 मिलियन व्यूज लाइक है, व्यूज की बात नहीं, लाइक है सिर्फ। और रोजमर्रा की जिंदगी में एक विकलांग जन कितना पिछड़ा है कि एक स्कूल तक जाने के लिए कितना उसको जिज्जोजहद, कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और इस तरीके के वीडियो जब इन 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 क्रिकेटर्स के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, ये क्या सेट कर रहे हैं रूल? तो आज कोई बच्चा जो अपने रोज लड़के स्कूल पहुंच रहा है और उसके साथ ही जो स्कूल में क्या करेंगे, इसी तरह उनका मजाक उड़ाएंगे? क्या वो स्कूल जा पाएगा? क्या आप ऑफिस जा पाएंगे? क्या आप किसी भी सामाजिक कोई भी इवेंट में जा पाएंगे? तो मेरा तो कहना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट सेक्शन 92, और अभी एक हफ्ता पहले जो सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर है जहां की कहा गया है कि मीडिया खास करके विकलांग जनों पे इंसल्ट ना करे, उनकी डिग्निटी को ध्यान रखे, उनको किसी भी मीडिया में प्रोट्रे किया जाए वो। और मेटा जो इंस्टाग्राम चलता है, मेटा इंडिया एक यूजर गाइडलाइन में क्यों उन्होंने इस तरह के वीडियो को वायरल होने दिया या उसको पब्लिक होने दिया? क्या ये यूजर गाइडलाइन, क्या ये भारत के कानून ये नहीं मानेंगे? तो आई थिंक एक भारत में और विकलांग होने के बाद आई थिंक पिछड़ापन अभी भी है, क्योंकि बहुत लोगों में विकलांगता को लेके एक क्या कहते हैं इसको, एक एक्यूट लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिसमें बहुत लोग इतने सारे बातों से अभी तक साझा नहीं है, समझ नहीं पाते हैं विकलांगता के विषय को, जहां ऐसा वीडियो आना चाहिए कि आप विकलांगता की जो लोग हैं विकलांग, उनके रोजमर्रा जिंदगी में क्या क्या परेशानियां हैं, उसको कैसे हटाया जाए, कैसे भारत को बेरे फ्री किया जाए, उनको हटा के आप उल्टा मिथ फैला रहे हैं, उसकी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये एफआईआर फाइल किया है। मैं यही कहूंगा कि गैस लाइट कर रहे हैं विकलांग जनों को, ये क्या तरीका हुआ? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप अगर कोई माफी मांगते हैं तो ये क्या आप एक इंस्टाग्राम के स्टोरी में लिख देंगे कि अगर किसी को मेरे इससे बुरा लगा तो मैं सबके लिए सबको सॉरी कहता हूं? इतना आप हल्के में लेंगे क्या विकलांग जन को? 10 करोड़ से ज्यादा विकलांग लोग हैं इस देश में।